सी एजेंट जून ने पढ़ाया मानवता का पाठ। पूछा ड्राइवर चपरासी की क्यों नहीं करते इज्जत। सीबीआई चंद्रचूड़ ने बदला था 60 साल पुराना नियम। सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ ने 16 नवंबर 2022 को देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद ही कोई चीफ जस्टिस हुआ हो जो इतनी चर्चा में रहा हो जितनी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। हाल ही में बीकानेर के एक कार्यक्रम में सीजीआई ने कहा कि देश की प्रगति के लिए भाईचारा बहुत जरूरी है और अंदरूनी कलह देश की प्रगति को रोक देगी। सीजीआई ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो शख्स पेशेवर या निजी रूप से उनसे निचले स्थान पर हैं, उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसलों से आप खुश हैं। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीजीआई चंद्रचूड़ ने पढ़ाया मानवता का पाठ। भारत बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई ने अपने संबोधन में ये कहा कि लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो शख्स पेशेवर या निजी रूप से उनसे निचले स्थान पर हैं, उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। सीजीआई ने ऐसे उदाहरणों पर रोशनी डाली जहाँ रैंक में वरिष्ठ अपने कनिष्ठ के साथ सम्मान सहित व्यवहार नहीं करता है। सीजीआई ने कहा कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने से कनिष्ठ व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, लोग अपने ड्राइवर की इज्जत नहीं करते हैं और सोचते कि वे छोटा काम कर रहे हैं। इसी तरह हम सफाई का काम करने वाले लोगों को हीन भावना से देखते हैं और कार्यालय की चपरासी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सीजीआई ने दिया जमादार पद का उदाहरण। इस संदर्भ में सीजीआई चंद्रचूड़ ने जमादार कहे जाने वाले पद के नामकरण को बदलने के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले का जिक्र किया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जमादार वे अदालत कर्मचारी हैं जो जज की कार का दरवाजा खोलते हैं और जजों के बैठने के लिए अदालत कक्ष में कुर्सी खींचते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे 75 साल बाद पद का नाम बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान हमें यह एहसास कराता है कि हम इस विशाल गणतंत्र का हिस्सा हैं जो मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को समान महत्व देता है। जजों से फैसले सरल भाषा में लिखने की अपील। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों से अपील करते हुए कहा कि उनको अपने फैसले सरल भाषा में लिखने चाहिए जिसमें उनको आम लोगों तक पहुंचने में आसानी हो। सीजीआई ने आगे कहा कि लोगों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में अदालती फैसले उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।